हम सबकी निगाहें टिकी है कल दोपहर होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप फाइनल पर। कौन जीतेगा, किसी भी भारतीय से पूछ लीजिए, किसी को संदेह नहीं है। हर कोई यही चाहता है, यही कह रहा है कि हम ही जीत रहे हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या कोई भी आपको फैन ऐसा टकराया है जो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत भी चांस दे रहा हो? अगर आपको सुनना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या हो रहा है, वंदे भारत माता की, 100 पक्का इंडिया जीतेगा, नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। कल हमारी टीम जीत रही है, वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई मैच हुआ था उसमें भी हम लोगों ने इनको हराया है, तो इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता है और हम लोग कल जीत रहे हैं। इंडिया 100% जीतने वाली है क्योंकि अपने सभी फॉर्म प्लेयर जो है फॉर्म में है, बॉलिंग से लेके बैटिंग फील्डिंग सभी तीनों फील्ड में परफेक्ट हो रहा है। टीम इंडिया के लिए एक बड़ी सी जोरदार जय हो जाए। यहाँ पर पूरी तैयारी है यहाँ पर, क्योंकि आप सुन सकते हैं कि शायद मुझे अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत माता की जय के यहाँ पर गुणगान हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर टीम इंडिया यहाँ आने वाली है अपना फाइनल प्रैक्टिस सेशन के लिए। और प्रीति, एक चीज़ मैं यहाँ पर बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम प्लेयरों की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं और हम वो है कोच राहुल द्रविड़। अगर आपने चक दे मूवी देखा हो तो कबीर खान का वो किरदार आप याद रखना, इंडिया का सबसे खराब वर्ल्ड कप 2007 का था जब राहुल द्रविड़ कप्तान थे, और आज वही राहुल द्रविड़ कोच बनकर पूरी टीम को और 40 प्लेयर को, 4 साल में 40 प्लेयर को उन्होंने रोटेट करके ये विनिंग कॉम्बिनेशन निकाला है। सबको लगा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होगा, आखिरी के 6 मैच में टीम इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया। हमें यहाँ पर अच्छा खासा क्रेडिट राहुल द्रविड को भी यहाँ पर देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और विवेक, चक दे इंडिया मूवी का ही एक और डायलॉग है कि यहाँ पर ना किसी खिलाड़ी के नाम होंगे, ना किसी राज्य के नाम होंगे, सिर्फ एक नाम होगा और वो है इंडिया, और इंडिया को ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।